Good morning, students. Today we are going to read chapter number 19, The Earth and the Sky. In this chapter, we will read about the earth. Earth means Prithvi and the sky. Sky means Asman, Akash. Let's start. Color the picture of the globe. This is the picture of the globe and the same it is here. You have to color this picture as it is. Now let's start the reading. Look at the round ball-like object. It is a globe, the model of the earth. We live on this planet. We must have noticed that a part of earth is blue and the other is green. It is because the earth is made of land and water. देखो ये एक गोल ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई गोल चीज़ होती है, बॉल की तरह दिखाई दे रहा है और इसे ग्लोब बोलते हैं. ग्लोब क्यों, ग्लोब क्या है? ग्लोब जो हमारी धरती है, हमारी पृथ्वी है, उसका मॉडल है. हमारी पृथ्वी ऐसी है, हम इस टाइप की पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं. वी, हाँ जी, इस ग्रह पे भी रह रहे हैं. दिस इज अ, वी लिव ऑन दिस प्लैनेट, इस ग्रह पे रह रहे हैं. हमने यहाँ पे देखा है, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पार्ट ब्लू और कुछ ग्रीन है. ये जो ब्लू पार्ट है, दिस इज द वाटर एंड दिस इज द लैंड. हमारी पृथ्वी जो है दो चीज़ों बनी है, लैंड एंड वाटर से. Now let's have a detailed explanation of these two points. First is land. We all live on land. Land has many shapes and forms. हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं और इसकी बहुत सारी, बहुत तरह की shapes और forms है, अलग अलग forms है, जिसकी हम आगे detail पढ़ेंगे. Landforms are the natural features that we see around us. ये मतलब प्राकृतिक रूप में ही ऐसी है, ये हमने नहीं पृथ्वी ऐसे बनाई, ये बाय गॉड ग्रेस ऐसी ही है. प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स एंड वैलीज आर सम लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ. मतलब इस तरह के कुछ लैंडफॉर्म्स हैं जिस तरह की हमें धरती देखने को मिलती है. नाउ लेट अस लर्न अबाउट दीज लैंडफॉर्म्स. अब इन लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं. जैसे ये देखो, प्लेन्स हैं, फिर ये हिल्स हैं, ये माउंटेन्स हैं और ये वैलीज है. ठीक है, इनकी अब हम डिटेल पढ़ेंगे आगे. पहले प्लेन क्या होते हैं? फ्लैट लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन. समतल जगह, जो सीधी जगह होती है, उबड़ खाबड़ नहीं होती, जिसमें पहाड़ियाँ नहीं होती, जिस टाइप की प्लेस पे हम रहते हैं, जिस लैंड पे हम रह रहे हैं, वो प्लेन्स है, मतलब सीधी जगह. मैनी पीपल लिव इन दीज इन द प्लेन्स. दे ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट, राइस. ये देखो, अब वीट भी हमारे यहाँ पंजाब में, हम जिस ज़मीन पे रहते हैं वहाँ पे उगती है. राइस भी यहीं पे होते हैं, मतलब हम प्लेन्स में रह रहे हैं. जैसे हमारा एरिया है ना, जहाँ पे पहाड़ियाँ नहीं हैं, वो होते हैं प्लेन्स. ओके, द नेक्स्ट इज लैंड दैट इज हायर देन द प्लेन फॉर्म्स हिल्स. अब वो जगह जो, मतलब जैसे ये प्लेन है ना, इससे थोड़ी सी उभरी हुई होती है, थोड़ी सी छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है, उसे हिल्स बोलते हैं. ठीक है, जैस अ फ्यू पीपल लिव इन द हिल्स. दे ग्रो फ्रूट ट्रीज लाइक एप्पल, मैंगो, लीची एंड चेरीज ऑन हिल्स. मतलब हिल्स पे इस टाइप के फ्रूट्स लगते हैं, फ्रूट ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं, एप्पल का, ऑरेंज का, लीची का, चेरी का, ये हिली एरिया पे होते हैं. नाउ कम टू दिस वन, दिस इज माउंटेन. माउंटेन्स आर वेरी हाई हिल्स हैविंग पीक्स. पीक्स होते हैं जिसका टॉप बहुत तीखा होता है, नोकीला. द टॉप्स ऑफ सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो. कुछ पहाड़ जो होते हैं, उनके जो टॉप्स होते हैं, उनकी जो ऊपर होता है ना, एकदम ऊपर वाला हिस्सा, वो स्नो से, बर्फ से ढका होता है. जैसे ये देखो पिक्चर, ये देखो माउंटेन्स हैं और ये कितना अलग सा वाइट दिखाया गया है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है, ये ऊपर वाला बर्फ के साथ कवर हुआ पड़ा है. द एरिया बिटवीन टू हिल्स इज लो, इट इज कॉल्ड अ वैली. अब वैली क्या होती है? वैली एक घाटी क्या होती है? जैसे ये देखो पहाड़ियाँ है ना, इसके बीच में थोड़ी सी जगह सीधी भी आ रही है, जहाँ पे लोग रहते हैं, ये वैली है. दो पहाड़ियों के या दो थोड़े पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है, वो वैली होती है. डेजर्ट्स आर द हॉट एंड ड्राई रीजन्स वेयर वेरी लिटिल रेन अकर्स. डेजर्ट्स क्या होते हैं? मारुथल, मतलब जहाँ पे बहुत गर्मी होती है और सूखा ही सूखा होता है, वहाँ पे रेन भी बहुत कम बार होती है. वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव इन डेजर्ट्स. बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे वेदर में
सर्वाइव कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। आगे ये देखो डेजर्ट का है ना, राजस्थान वाली साइड पे चले जाओ, डेजर्ट्स हैं बहुत बड़े बड़े। सॉरी, नाउ कम टू दिस, ये तो हमने लैंड का पढ़ा ना, लैंड फॉर्म्स। नाउ दिस इज वाटर, देयर इज मोर वाटर ऑन द अर्थ देन देयर इज लैंड। मतलब यहाँ पे हमारी धरती का जो मॉडल है या धरती जो है इस पे जमीन से ज्यादा पानी है। यहाँ पे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 70% जो हमारी पृथ्वी है ना वो वाटर से बनी हुई है, और बाकी जो 30% है वो ही सिर्फ जमीन है, इतना सा टुकड़ा है जमीन का। अब 70% वाटर है हमारी लैंड के ऊपर। देयर इज मोर वाटर ऑन द अर्थ देन देयर इज लैंड, ठीक है ना, यहाँ पे ज्यादा पानी है जमीन की बजाय। वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, स्प्रिंग एंड वाटरफॉल्स। ये वाटर बॉडीज है जहाँ से पानी, जहाँ पे हम देखते हैं पानी होता है, ठीक है, जैसे ओशंस, महासागर, सी समंदर, रिवर नदियाँ, लेक्स झीलें, स्प्रिंग झरने, वाटरफॉल्स ये भी झरने ही होते हैं। लैंड एंड वाटर, देखो ये लैंड शो कर रहा है, इतनी सी जमीन है, इतना सारा हिस्सा जो है पानी से कवर हुआ पड़ा है, ठीक है। Now come to this. What does Granny says? We should not put waste and garbage in water bodies. अब ये जो मैंने आपको water bodies बताई, ये वाली ocean sea, ये देखो ये दिखा रहे हैं ना, ocean है ये ocean है, ये sea है, फिर rivers हैं, lakes हैं, फाउंटेन्स हैं, जैसे ये वाटरफॉल्स हैं, ये वाटर बॉडीज कहते हैं इनको, वाटर बॉडीज। इनको कभी भी इनमें कभी भी वेस्टेज या गार्बेज, गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए, इनको गंदा नहीं करना चाहिए, इनको दूषित नहीं करना चाहिए। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज एयर। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर। एयर क्या है? एयर मीन्स हवा, जो धरती के इर्द गिर्द हवा जो घिरी हुई है ना उसको एटमोसफियर बोलते हैं। द लेयर, जो एक लेयर भी नहीं है उसे क्या बोलते हैं? एटमोसफियर। नाउ लुक एट दिस एक्टिविटी, लुक एट द टू पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दीज आर द टू पिक्चर्स, दिस इज द सीन ऑफ अ नाइट एंड दिस इज द डे सीन। नाउ यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दीज पिक्चर्स। द फर्स्ट पिक्चर शोज विच टाइम ऑफ द डे इज। अब ये पिक्चर दिखा रही है कौन सा टाइम है डे का, द फर्स्ट पिक्चर। अब ये पिक्चर है ना, फर्स्ट पिक्चर ये है, इसमें कौन सा टाइम है? अब मून और स्टार्स कब होते हैं? नाइट में। तो यहाँ पे लिखेंगे एट नाइट, नाइट, हाँ जी ठीक है। द सेकेंड पिक्चर शोज विच टाइम ऑफ द डे। अब सेकेंड पिक्चर कौन सा टाइम शो कर रही है? ये सुबह का सीन है, तो ड्यूरिंग डे टाइम, ये डे टाइम है, ठीक है, यहाँ पे दिन का समय है। What all things you see in the first picture? आपने first picture में क्या क्या देखा? इसमें moon है, star है, यही देख रहे हो ना आप। उसके बाद है what can you see in the second picture? Second picture में क्या देख रहे हैं हम? Second picture में ज़्यादा है, देखो sun है, clouds हैं, birds हैं, ये सारा कुछ देख रहे हैं, है ना। Now come to the next one. This is about the sky, आकाश, आसमान के बारे में। What do we see when we look up? जब हम ऊपर देखते हैं तो क्या देखते हैं? जब हम ऊपर की ओर मुंह करते हैं तो क्या देखते हैं? We see the sky, हम sky देखते हैं। The big open space, बहुत बड़ा खुला space above us is called the sky। जो हमारे से ऊपर है, बहुत खुला बड़ा सी जगह, बड़ा सा area है और ऊपर हमारे सिर के ऊपर हमेशा होता है, वो क्या है? Sky। It appears blue in the morning। ये दिन सुबह ये नीले रंग का दिखाई देता है। इट वी सी द सन ड्यूरिंग द डे। हम दिन के समय क्या देखते हैं इसके ऊपर? आकाश में क्या होता है? सन। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। सन जो है, सन क्या है? बिग बॉल ऑफ फायर, गर्म आग का एक बड़ा, आग का एक गोला है। बहुत हीट होती है सन में, इसलिए इसे आग का गोला बोला गया है। इट गिव्स लाइट एंड हीट टू द अर्थ।
ये हमारी धरती को क्या देता है, रोशनी देता है और हीट देता है, गर्मी देता है। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स इन द स्काई, क्लाउड्स भी होते हैं स्काई में, ये नहीं कि गेला सन या मून ही होता है, क्लाउड्स भी आते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स साइजेस एंड कलर्स, ये अलग अलग साइज के शेप्स के और होते हैं। When the sun sets, जब सूरज छिपता है, it becomes night, तो रात हो जाती है। We can see the shining moon and the twinkling stars, फिर हम क्या देखते हैं, हमें चमकता हुआ चंद्रमा दिखता है, तारे दिखते हैं चमकते हुए। We see different shapes of the moons on different days, हमें हर रोज जो चंद्रमा की शेप है वो सेम नहीं होती, हमेशा चेंज होती रहती है, डे बाय डे चेंज होती रहती है। ये देखो, ये है नो मून, इसमें कोई मून नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ये सरसेंट मून, ये इतना सा मून है, ये देखो, ठीक है। फिर हाफ मून, अब ये इतना हो गया। फिर गैबिबस मून, ये इतना हो गया, ये वाइट पोर्शन जो है मून का है। अब ये फुल मून, जब पूरा सर्कल कवर हो गया, ये फुल मून है। ये इसके शेप्स हैं जो डे बाय डे चेंज होती रहती है। We see the star twinkling in the night sky. Some stars are arranged in a shape. Okay, हम ये रात को स्काई में देखते हैं और कुछ स्टार जो है अरेंज्ड इन अ शेप, जैसे ये शेप्स बनी हुई है, ये देखो, ये शेप्स में होते हैं कुछ स्टार्स। Now these are the few points related to the chapter. We live on the earth which is around the shape. Which is round in a shape. हम उस धरती पे रहते हैं जो शेप में गोल है, ठीक है। It is different. It has different lands and water forms. इसमें डिफरेंस है, लैंड फॉर्म्स भी अलग अलग तरह की है, वाटर फॉर्म्स भी अलग अलग तरह की है, वाटर बॉडीज भी हैं। The big space above us is called the sky. We see sun during the day. We see moon and star in the night sky. मतलब हम रात दिन के समय सन देखते हैं और रात के समय मून और स्टार्स देखते हैं स्काई में। दैट्स इट बेटा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर, एनी मीनिंग प्रॉब्लम, देन यू कैन प्लीज कमेंट मी एंड आई विल रिप्लाई इट। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।